3.5 करोड़, 300 स्क्वायर एमएम का है, गैलन साइज है 0.12, ठीक है। तो ये अभी गैलन हो गया है, कुछ कुछ गैलन हो गया, कुछ कुछ बाकी है, जैसे वो है बाकी अभी, और ये अभी हो गया है, और कुछ कुछ ट्यूबवेल का हम लोग उठा भी दिए हैं, ठीक है। अभी उठाने का उठाने का भी चल रहा है, और ड्रेसिंग भी चल रहा है सब तरफ, जैसे की साइड में केबल का एक राउंड अभी उठाया है, ठीक है। ये वाला राउंड इसमें अभी डालेंगे, इसको बैक किया जा रहा है, मोटा केबल है ना, इसको तो बस में लेना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ये देख रहा है इसका लीड का क्या दाम होती है, देख रहे 3.5 करोड़ का है, 300 स्क्वायर एमएम का, और ये उठ रहा है। और इधर को ऑलरेडी हम लोग 2004 उठा दिया है, इनकमर 1 इनकमर 2, ये देखिए ये इनकमर 1 है, ये देख सकते हैं आप, बहुत कंजक्टेड एरिया है, ज़्यादा भी फॉर्म है, ये देखिए अरे कार्बन से इतना नज़दीक है, ठीक है। अरे इतना मोटा मोटा लीड इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी करना पड़ता है। ये देखिए इसका टर्मिनेशन पॉइंट ये, ठीक है। आर वाई कितना, 1 बिट्स का डिफरेंस में, 1 बिट्स का, इसी में इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, वो भी डबल डबल लेट, रेड टू गो, येलो टू गो, ब्लू दे वो, ठीक है। ये इनकमर 1 है, 1 जुलाई का देख सकते हैं, इनकमर 1 और ये है इनकमर 2, मुझे दौरान आ गया है। अभी इधर का हो गया, उठा दिया है, अब इसको गलन टर्मिनेशन भी होगा, और किस साइज में अभी उठाना चल रहा है, और बहुत मुश्किल से उठाया गया होगा, ज़्यादा भी नहीं है तरफ, बहुत मुश्किल हुआ है। आगे देखते हैं, बहुत मुश्किल में उठ रहा है बाबा, अभी इसका बगल वाला के पास में पड़ा है, ये उठेगा, ये 1 में उठेगा, ये 2 में, देखिए ये 2 है, इधर उठेगा, ये दोनों साइड वाला होल में, ये वाला, और उसमें उठाएगा डी वाला, साढ़े 3 करोड़ 300 स्क्वायर एमएम का अभी इनकम 2 किसी से जो आ रहा है पैनल से, अभी तो थोड़ा सा पहले आपको बताया जो उठ रहा है, अभी उठ गया है, तो उसी को अभी लॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा लूप रखेंगे उधर ही मोड़ मार के, तो देखिए आज वाले कुछ सब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले स्क्रीन हटा लेते हैं, या 300 का अलग, ठीक है, 300 का है,
और इसका जो आधा है 150 लगेगा। ये 150 है अंदर में लगेगा 150, और वो रेड RYP में लगेगा सिलेंडर का। अभी केबिल और उठ रहा है, दर्शक उठ रहा है, इधर भी उठ रहा है। ये CO1 का है, उड़ाओ। एक ना दो नंबर इनकमर का हम लोग रेडी कर दिया है, पंच मार के एकदम, ठीक है। अब चेक दिया चल रहा है, देखिए थ्री हंड्रेड का है। इसको टोटल एक पंच मार दिया गया और टेप भी लगा दिया गया, ये रेडी हो गया। और एक बार मेगार कर देंगे बस, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर देंगे। अभी लीड का साइज चल रहा है, देख सकते हैं बहुत टेढ़ा टेढ़ी करते हैं, इसको साइज में लेना पड़ रहा है, लाख का हिसाब से उसको दागी दिया जा रहा है, ताकि काटिंग का दागी मिल जाएगा या कहाँ तक काटिंग करना है, ठीक है। ये हाँ बाकी तो मारका दिया ना तुमको, मेरा वाला ले हो गया। हाँ हाँ चलिए दूसरा लोड हो गया। अभी ये वाला लो, उसको थोड़ा साइड से जाएगा एक तो, और एक तो नीचे से जाएगा। हाँ वो वाला साइड से ले लो, जितना पीछे होता है ना उतना रख के लो, ताकि बोल नहीं सकते ऊपर ऊपर टप जाएगा तो मुश्किल। ये वाला को बैठने नहीं देगा, देख रहा है ना, सीधा करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो एकदम उसका पीछे ले लो ना, जैसे उसको लिया था उल्टा करके। हाँ वैसे करके एक नीचे वाला छेदा में, हाँ उसी में ही, उसी का हिसाब से ले लो। हाँ मारो, ये कटिंग का दाग हो रहा है, लिप कटिंग हो जाएगा, उसके बाद लास्ट का होगा। दूसरा वाला देखो वो नीचे से आएगा, ठीक है ठीक है। चलो ऐसे करते करते हम लोग आगे दे देंगे सबको, इसको कटिंग कर देंगे, इसको शेप में लाएंगे। चलो ब्लू वाला हो रहा है, ले
नहीं ना मोटा मोटा अंदाज कर अरे हो गया ना ब्लैक वाला ले ले एक बार तो ऐसे करके सबको अभी मेजरमेंट हो गया है। अभी जितना दागी पड़ा है सबको कटिंग करके फिर लास्ट उसको पहनाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंच मारेंगे और टेप मार के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे यार रखो कर चुके हैं हम लोग अभी, ये देखिए ये ऑलरेडी हो गया है, इसको रेडी कर दिया गया पूरा टोटल, देख सकते हैं आप 350 का 300 का केबल है और इसका एम्पियर है 630 एम्पियर का है। इसका जो SCPO है मॉडल 630 एम्पियर का है। इन कमर 2 है वह वो इन कमर 1, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया। अभी अभी इसका केबल को मेगा करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेगा करके गिराया गया है, गिराते गिराते हो सकता है कोई गड़बड़ हो गया, इसीलिए दोबारा मेगा करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इसको लिट को कटिंग करके जैसी बनाए रेडी करना होगा। तो सवाल पॉइंट पाँच ये 100 का भी पॉइंटिंग चल रहा है, देख सकते कुछ कुछ मार दिया गया है, 150 वाला हो गया है, 300 वाला भी चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे पंचिंग करते हैं हम लोग। मारने के बाद थोड़ा रिलीज करना पड़ता है, एक थोड़ा पीछे घसका के फिर दोबारा मारना पड़ेगा। नंबर 1 का है, ऐसे करके इसको पंच मार के फाइल मार के छोटे मार देंगे। टोटल लिट को लास्ट मार दिया गया है, पंचिंग हो गया है, देख सकते आप इसका 300 का पंच गया नंबर यहाँ का। जो इसका जो गुटका है ना, गुटका में उसका पंचिंग का नंबर है लगता है। देख रहे हैं 300 जो पंचिंग हो जाता है नंबर भी आ जाता है। ये 150 का है क्योंकि इसमें भी 150 आ गया। थोड़ा उल्टा आया है, आया है 150 का है, ये 300 का है। तो इधर कंप्लीट मार दिया गया है और उधर तो फाइनल कोड मार दिया है इनका बार 2 में, देख सकते आप। तो दिखाया अभी यदि इसको टेपिंग भी हो गया है, फाइल भी हो गया है, टेप भी हो गया, देख रहे हैं।
नंबर वन है ये वाला जा रहा है, मतलब ये सामने ही है।